दोस्तों आज हम क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉजेस विच आर जनरली बिलीव्ड दैट द मोस्ट टिपिकल थिंग इन ग्रामर बट रियली दे आर नॉट सो। सामान्यतः माना जाता है कि क्लॉजेस बहुत ही ग्रामर में बहुत ही कठिन चीज़ है, पर वास्तव में ये उतनी कठिन नहीं है जितना कठिन हम समझते हैं। क्लॉजेस उतना कठिन नहीं है। द थिंग्स दैट मेक इट सो डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर ड्यू टू सम रीजंस। ग्रामर में क्लॉजेस सबसे डिफिकल्ट चीज़ हो जाने का एक ही कारण है, और कुछ कारण है जो वो कारण ये है कि हम इनकी कुछ पूर्व में जो बातें जाननी चाहिए उसके बारे में हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एंड देयरफॉर वी हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट क्लॉजेस। क्लॉजेस के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए दोस्तों, पहले वो कौन सी चीज़ें हैं दैट वी मस्ट लर्न बिफोर लर्निंग क्लॉजेस। That we must know before learning clauses. First, alphabet. What is alphabet? What are alphabet? People say alphabet are the smallest unit of the language. लोग कहते हैं कि alphabet क्या है? Language की सबसे छोटी इकाई है. Is that sufficient? क्या ये जान लेना पर्याप्त है? नहीं दोस्तों, पहले आपको ये समझना होगा दैट अल्फाबेट आर नथिंग बट सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर वेरियस साउंड। सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर वेरियस साउंड्स। ये अल्फाबेट क्या है? वो सांकेतिक चिन्ह हैं जो हमारे कंठ से निकलने वाली विभिन्न ध्वनियों के प्रतीक हैं, उनके सांकेतिक चिन्ह हैं। जैसे हम सेम साउंड आ को हिंदी आ जब बोलते हैं, गले से आ निकला, उस आ के लिए ध्वनि का संकेत है आ का। वही तेलुगु में आ इस तरह से लिखा जाता है, और इंग्लिश में ए और आ दोनों इसी से या यू से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये क्या है, विभिन्न संकेत ध्वनियाँ जो अलग अलग भाषाओं में एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि अल्फाबेट क्या है। अब इस अल्फाबेट को समझने के पश्चात अब हमें ये जानना जरूरी है वर्ड क्या हैं। वर्ड्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स, सब अक्षरों के समूह। दैट नेम अ थिंग, टेल, क्वालिटी, एक्शन, मॉडिफाई, सेटअप, रिलेशन, ज्वाइन और एक्सप्रेस अवर एंगर, फियर, लव, हैट्रेड एक्सेट्रा, जो कि हमें क्या है, अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि हम शब्दों का वो समूह जो किसी नाम को, किसी गुण को, किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है या फिर उनके बीच संबंध बैठलाता है, जैसे या फिर उसे ज्वाइन करता है या उसका क्या अपने क्या है, गुस्से को, डर को, प्रेम या हमारी नफरत को व्यक्त करने के लिए हम जो विभिन्न अक्षरों के समूह को मिला के तैयार करते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स की मदद से तैयार करते हैं, उनको हम वर्ड्स कहते हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर कॉल्ड वर्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगला स्टेप है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये स्पीच शब्द, दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ स्पीक।
स्पीच शब्द जो है स्पीक वर्ड उसका संज्ञा रूप है। व्हेन वी स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स कम आउट ऑफ आवर माउथ एंड ऑल दीज वर्ड्स डू नॉट हैव द सेम फंक्शन। जब हम बोलते हैं तो अलग अलग तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और इन सारे शब्दों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो इन्हें शब्दों के इन्हीं शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। एंड दीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन अबव वर्ड्स दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ अबव वर्ड दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स एंड नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। What are these parts of speech? What are the names of these parts of speech? In parts of speech के नाम क्या हैं? First, noun. पहला क्या है? Noun. What is the function of noun? Naming anything. It names a thing. ये क्या है? हमारे क्या है? नाम को बतलाने का काम करता है। नाम को बतलाने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इट इज वी हैव यू हैव लर्न्ड इन प्राइमरी क्लासेस दैट अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन। पर्सन प्लेस और थिंग थिंग एनीथिंग पर्सन प्लेस सी नहीं किसी भी चीज़ का नाम जिसके पढ़ने से नाम का एहसास होता है। एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। वो नेमिंग वर्ड क्या है? नाम कहलाता है। राम मुंबई टेबल लैंड डिसीजन लाउडनेस एंड क्वेश्चंस टू विच इट आंसर्स। नाउन जिन प्रश्नों के उत्तर के रूप में आते हैं ये शब्द, वो प्रश्न हैं हु व्हाट हूम और हूज। ये इन शब्दों के उत्तर के रूप में आते हैं। अगर हमने कहा हु रोड द रामायण, आपका आंसर है वाल्मीकि। सो इस हु के जवाब में आपने वाल्मीकि जो बोला दैट इज नाउन। अब हमने कहा व्हाट Did he buy? उसने क्या खरीदा? He bought a mango. Mango noun हुआ। तो इस तरह who, what, whom, whose आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये सामान्यता जो इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में सामान्यता वो noun होते हैं। Then next pronoun. अगला शब्द क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? रिप्लेसिंग अ नेम टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। प्रोनाउन क्या है? नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, किसी नेम के रिपीटिशन को, एक नाम को बार बार दोहराते हैं, अब हमने बार बार उसी नाम को ना लेना पड़े तो उसकी जगह हम ही सी इट दे समबडी दिस दैट दिस दोज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी नाउन के प्लेस पे आते हैं। तो प्रो मीन्स स्टैंड फॉर एंड नाउन मीन्स नेम। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नेम और द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नेम टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन इज सेड टू बी इन प्रोनाउन। जैसे ये भी ठीक उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देगा क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में उदाहरण दे सकते हैं दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में दिस शब्द क्या है? प्रोनाउन है क्योंकि इस माई को आप प्रोनाउन समझ रहे हो। एक्चुअली माई हियर इज एन एडजेक्टिव। अगर कार्य के आधार पर देखें तो यहाँ पर दिस ही
प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पर है, और माइज वो बुक लिखा हुआ है जिसको हम आप प्रोनाउन समझ रहे हैं, वो वास्तव में बुक को डिफाइन कर रहा है। और वर्ड जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पहले हम इतनी डीपली जाने से पहले हम ये समझ लें व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग अ वर्ड और अ प्रोनाउन और नाउन। नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। उदाहरण के लिए ब्रेव पर्सन, पर्सन ब्रेव, पर्सन कैसा पर्सन? ब्रेव, बहादुर व्यक्ति। लार्ज सिटी, सिटी कैसी सिटी? लार्ज। तो ये ब्रेव, लार्ज, ये ब्रेव यहाँ पर्सन को डिफाइन कर रहा है जो कि एक नाउन है। लार्ज जो है सिटी को डिफाइन कर रहा है जो कि नाउन है। दिस बुक, विच बुक, कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक के बारे में सांकेतिक रूप में बताने वाला शब्द है दिस। माई बुक, मेरी पुस्तक, हूज बुक, तो उस बुक के बारे में बतलाने वाला शब्द है माय। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो दिस, ब्रेव, लार्ज और माय, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव कहलाएंगे। ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स एंड जनरली दीज गिव द आंसर टू द क्वेश्चन विच, हूज, व्हाट काइंड ऑफ। ये सामान्यतः दिस, हूज, व्हाट काइंड ऑफ उसका उत्तर देते हैं। जैसे दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माय। अगर हम यहाँ देखें तो दिस यहाँ, जैसे पहले ही हम जान चुके हैं बुक है और माय यहाँ पर एडजेक्टिव है। जब हम यहाँ पे इस तरह से जाते हैं दिस बुक इज माय, तो बुक के पहले दिस लिखा हुआ है, तो ये बुक को डिफाइन करने वाला वर्ड दिस है। तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है और माय प्रोनाउन है। और इसको बेहतर समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये देखिए, जैसे इफ देयर इज, अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि प्रोनाउन और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन भी हैं और नाउन भी हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, दोनों का कार्य करते हैं, तो आप कौन सा शब्द इनमें से प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसको समझने के लिए पहले देख लें कि जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ दिस इज माय बुक, तो यहाँ और फिर नीचे दूसरा सेंटेंस है दोज आर हिज बिस्किट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस और दोज, इनके बाद क्रिया आई हुई है, मीन्स ये किसी नाउन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोनाउन है। लेकिन बुक के पहले माय, बिस्किट्स के पहले हिज, जो बुक्स और बुक को और बिस्किट्स को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं किसकी पुस्तक, किसके बिस्किट्स, तो ये माय और हिज यहाँ एडजेक्टिव को कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन नीचे हम उसको दूसरी तरह से उसी सेंटेंस, उन्हीं सेंटेंसेस को लिखते हैं, जैसे दिस बुक इज माय, तो ये बुक यहाँ पे, ये बुक कौन सी बुक? दिस बुक, तो बुक के पहले दिस आ गया, तो दिस यहाँ बुक को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ दिस एडजेक्टिव हो गया। दोज बुक्स, यहाँ दोज शब्द है बुक्स को डिफाइन कर रहा है, तो दोज एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब माइन और इज को किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है, दे आर टोटली प्रोनाउन, प्योरली प्रोनाउन, ये पूरी तरह से प्रोनाउन हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको और सब बेहतर समझने के लिए ये चीज़ समझ लें कि इफ देयर इज डिटरमिनर प्लस नाउन, अगर कहीं पर डिटरमिनर प्लस तो देन द डिटरमिनर इज एडजेक्टिव, तब क्या हुआ? डिटरमिनर एडजेक्टिव होगा। कैसे? जैसे हमने दिस बुक देखा था, दिस भी डिटरमिनर है, और एक जगह देखा था माय बुक, तो बुक के पहले माय भी डिटरमिनर होता है, दिस भी डिटरमिनर होता है, ये डिटरमिनर के बाद अगर नाउन आता है तो वो उसको डिफाइन करने लगता है, ऐसी स्थिति में ये वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन इफ
देयर इज डिटरमिनर प्लस वन, जैसे हमने उदाहरण लिया था दिस इज, तो दिस के बाद इज आ गया था, वर्ब आ गई थी, तो वो वहाँ पर या सेकंड, तो वो वहाँ पर क्या है कि दिस जो है प्रोनाउन हो गया था क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं था। सो ये ध्यान रखें दोस्तों कि डिटरमिनर प्लस वर्ब होने पे वो डिटरमिनर प्रोनाउन बनता है, और अगर डिटरमिनर प्लस नाउन होगा तो डिटरमिनर एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब हम फिर हैं आगे बढ़ते हैं, तीसरा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच एट वंस। चौथी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या कहलाती है? क्या है, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और सेज और टेल्स समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब वो शब्द हैं जो किसी क्रिया को दर्शाते हैं, ये किसी क्या है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। अपने सब्जेक्ट या नाउन, जो सामान्यतः ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन ही लेते हैं। तो ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में कुछ कहते हैं। अब इसको और हम उदाहरण से समझेंगे, एग्जांपल्स देखिए। दे रीड, रीड इज एन एक्शन। व्हाट दे डू, रीड। रीड एक्शन बतला रहा है, वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो रीड ने एक्शन बतलाया, तो रीड वर्ड इज एन इज अ वर्ब। नेक्स्ट, आई एम अ टीचर। आई और एम जो शब्द है वो आई के बारे में कुछ कह रहा है, मतलब ये एम शब्द आई के बारे में कुछ बतला रहा है, इसलिए आई शब्द क्या हो गया आपका आई शब्द आपका सॉरी एम शब्द आपका क्या हो गया, वर्ब कहलाएगा क्योंकि वो आई के बारे में कुछ कह रहा है। अब ये क्वेश्चंस जिनके आंसर देते हैं वह व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, इन सब का इन क्वेश्चंस का आंसर देते। नाउ नेक्स्ट एडवर्ब, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, एडेड टू द वर्ब। एडवर्ब क्या है? द वर्ड विच इज एडेड टू द वर्ब, नॉट ओनली टू द वर्ब बट एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब के साथ ऐड होता है और इसका काम है मॉडिफाइंग अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसका काम है कि एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना यानी कि वो वर्ड के साथ कुछ ऐड करके और बेटर मीनिंग के साथ प्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पर ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, वेरी उसके साथ ऐड हुआ है, तो ये शब्द जो है वेरी क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया क्योंकि उसने एडजेक्टिव के साथ ऐड होके उसको ऑनेस्ट है कितना है उसकी डिग्री बदलाई, तो ये वेरी शब्द क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। फिर ही रन्स, रन्स इज एन एक्शन, रन्स एक क्रिया है, एक्शन है, और उसके साथ क्या लगा, फास्ट, दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फास्ट। फास्ट जो है वो रन्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो फास्ट शब्द क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, दिस इज एन एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन रन्स इज एन एक्शन। रन्स क्या है, एक एक्शन है, क्रिया है, तो इसको हमने ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि रन्स क्या है, एक वर्ब है, और उसमें ये फास्ट भी हम जान चुके थे पहले सेंटेंस में कि फास्ट इज एन एडवर्ब, फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है। तो इस तरह हम देखते हैं वेरी फास्ट, ये वेरी शब्द उसने एडवर्ब को फिर मॉडिफाई कर दिया है, तो वेरी भी एडवर्ब कहलाएगा।
तो इस तरह हमने दोस्तों देखा कि एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद अपने आप को भी मॉडिफाई कर लेता है। और सामान्यतः जनरली इट गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ, इन व्हाट मैनर, वेयर, व्हेन आदि प्रश्नों का उत्तर देता है। सामान्यतः इस पर रेज होने वाले क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। तो द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। लेकिन अब ऐसे तो हम देखने लगे कहें तो इसका ये तो वर्बल मीनिंग है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ लिखा था द बुक या और कुछ, तो वो शब्द जो नाउन के पहले आया है वो द फिर प्रीपोजिशन हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो तो उसके साथ आर्टिकल है जो लगी हो तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये उसके साथ जो उसका कार्य है, फंक्शन, वो जानना जरूरी है। और फंक्शन इसका एक इट मेक्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन। ये जो एक जो वर्ड जो नाउन के पहले आया हुआ है वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बिठाता है। यदि वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बिठाता है तो वो क्या है, क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स क्या है, टेबल पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के पहले और बुक्स, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बुक्स और टेबल के बीच में रिलेशन बतलाने वाला शब्द है ऑन। इसी तरह ही कम्स इन द इवनिंग, द इवनिंग और ही के बीच रिलेशन बिठाने वाला शब्द है ही। तो ये इन शब्द भी प्रीपोजिशन कहलाएगा। द डॉग रैन आफ्टर द थीव, द थीव और डॉग के बीच रिलेशन बिठाने वाला शब्द है आफ्टर। तो इस तरह हम देखते हैं प्लेस, टाइम और मोशन या मूवमेंट, इस टाइप का रिलेशन बिठाता है हमारा शब्द ये प्रीपोजिशन। इसको हम हिंदी में संबंध सूचक अवयव के नाम से भी जानते हैं। अब सामान्यतः इसके क्वेश्चन वेयर, व्हेन या इसके पहले डब्ल्यू एच के पहले कभी कोई भी प्रीपोजिशन के साथ, इसलिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं या उससे संबंधित प्रीपोजिशन के बारे में पूछना होता है क्वेश्चन, तो उसके आगे फिर वही प्रीपोजिशन लग के डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ आते हैं। अब इसके आगे कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या है, वाटर कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या है, कनेक्टिंग या ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे एंड, बट, आइदर और, नाइदर नॉर, व्हाट, व्हेन और व्हाई। इस टाइप के शब्द और भी अन्य शब्द होते हैं जो, लेकिन कंजंक्शन किन को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये आपके दो शब्दों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स है, वहीं कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कंजंक्शंस इतने प्रकार के होते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, ही हैज अ पेन एंड आई हैव अ पेंसिल, इन दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द एंड है, तो एंड कंजंक्शन कहलाएगा। फिर लास्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इसका फंक्शन है एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एंगर, फियर, लव, हेट्रेड, सरप्राइज, एक्सट्रीम जॉय और सॉरो। ये हमारे सरप्राइज जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जैसे हमारा क्रोध है, हमारा भय है, हमारा प्रेम, हमारी घृणा, सरप्राइज है, आश्चर्य है, या फिर हमारा अति प्रसन्नता है या अति दुख है, अत्यंत दुख है, उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलास, अलैक, वो, खुशी को ब्रैवो, हुर्रे, शिट, थोड़ी घृणा, डिसगस्ट को हमारा एक्सप्रेस करने वाले ये शब्द इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो दोस्तों
अभी हमने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, लेकिन जब आप हम इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने नेक्स्ट क्लास में इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, उन एक्सरसाइजेस से हर नाउन को देखेंगे कि एक ही वर्ड है एक जगह वो नाउन का काम करता है तो दूसरे सेंटेंस वो हो सकता है वर्ब का काम कर रहा हो सकता है एडजेक्टिव का काम कर रहा हो सकता है कि वो कंजंक्शन का काम कर रहा हो, तो मतलब एक ही वर्ड कई प्रकार के काम कर सकता है, तो हम उसको उसके फंक्शन के बेस पे उसको कैटेगराइज करते हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज को बेहतर समझेंगे, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब और एडवर्ब के बारे में अच्छी हो जाएगी तो हमें ये क्लॉजेस समझने में उनकी पहचान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए